आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन करके दिखाना चाहता हूँ RNFI का। देखिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे अभी लॉगिन हुआ हूँ। और कि डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में क्या सब हो सकता है मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में क्या सब होता है। आपको फर्स्ट ये फॉर्म में बताऊंगा, फॉर्म मेजरमेंट में होता क्या है। क्रिएट फॉर्म है, पेंडिंग लिस्ट है, रिजेक्टेड लिस्ट है, ये सारा लिस्ट का ऑप्शन है। मैं क्रिएट फॉर्म पे जाता हूँ। रिटेलर कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप फुल नेम लिखिए, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ फ्रेम नेम है दुकान का नाम, यहाँ ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ नंबर, आधार नंबर, एडुकेशन और एड्रेस सारा है, लैंडमार्क, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा फिल करना होता है। और मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ, डॉक्यूमेंट में क्या सा इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड चाहिए, देखिए यहाँ पैन कार्ड है। और एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड चाहिए। और यहाँ बैंक डिटेल है, ये रिफरेंस आपको भरना है, अनिवार्य है ये। और ये फॉर्म पे भरना होगा। या आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड अपलोड कीजिए, आधार कार्ड में, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड का क्लियर फोटो और सिग्नेचर के साथ को फाइल दीजिए। इसमें फोटो प्रूफ में फ़ोटो डालिए और फॉर्म अपलोड में फॉर्म डालिए, डाल के सबमिट कीजिएगा, अपडेट हो जाएगा। और मैं बता दूं कि यहाँ और क्या सब फैसिलिटी है। यहाँ आप कमीशन सेट कर सकते हैं रिटेलर का, AEPS कमीशन, रिचार्ज कमीशन, TMW कमीशन। और सेटलमेंट में यहाँ देख सकते हैं का मतलब रिटेलर जो भी काम किया हो, DMT किया हो, जो भी किया हो, इंश्योरेंस, AEPS और ये है सारी सर्विसेज मिलेगी यहाँ से। और रिटेलर लिस्ट यहाँ मिलेगी, रिटेलर लिस्ट। और मैं आपको अब बताऊंगा रिटेलर पैनल। और मैं RNFI का रिटेलर पैनल लॉगिन कर रहा हूँ। ये आ गया आपका रिटेलर पैनल। रिटेलर में ये होता है मनी ट्रांसफर, एयर टिकट, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब AEPS होता है, बिल पेमेंट। और रिटेलर आईडी के लिए डॉक्यूमेंट सेम होता है। और ये इसके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करके आप रिटेलर आईडी बन सकते हैं। और इसमें बता दूँ क्या सब होता है। यहाँ देखिए DMT, एयर टिकट, क्रेडिट कार्ड, रिचार्ज, BBPS, बिजली बिल, AEPS, पैन कार्ड, सारा सर्विसेज मिलेगा आपको AEPS में। AEPS में बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, AEPS DMT, AEPS सेटलमेंट, AEPS ट्रांजेक्शन, AEPS सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। को बता दूं कि यहाँ से सर्टिफिकेट, रिटेलर का सर्टिफिकेट भी मिलता है। मैं आपको रिटेलर का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये होता है रिटेलर का सर्टिफिकेट जो कि RNFI ICICI बैंक अप्रूवल करके देती है।
रिटेलर का सर्टिफिकेट और यहाँ सारा बिजनेस रिपोर्ट भी मिलेगा आपको, सारा चीज़ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप हमसे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके हमसे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलरशिप ले सकते हैं। आपको सारी जानकारी दिया जाएगा, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे करना है। आज के लिए बस इतना ही, ये डिफरेंस बता रहा था मैं कि और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस है, रिटेलर क्या करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं।